हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड अंकल यूजीसी नेट की तैयारी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट जनरल पेपर वन। जनरल पेपर वन में जो भी टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कवर कर लेंगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि सिलेबस क्या है। UGC NET General Paper 1 is common and compulsory for every candidate. जो Paper 1 होता है वो सबके लिए common और compulsory होता है, and then Paper 2 जो होता है वो आपका subject paper होता है. So I'm talking about only General Paper 1. Paper 1 will have 50 questions worth 100 marks. 50 questions होते हैं, 50 questions, 2 marks का एक question होता है, then it is of 100 marks. तो पहला पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। देन पेपर वन सिलेबस हैज 10 यूनिट्स एंड एग्जैक्टली 5 यूनिट्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट्स। तो पेपर वन में 10 यूनिट होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिर्फ यूजीसी ने बताया गया है, बट इट मे वेरी, हो सकता है कुछ यूनिट्स में से 6 क्वेश्चन आ जाए, 7 क्वेश्चन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। सो फर्स्ट इज टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग यूजीसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। लाइक मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। सो यू कैन पुट अ स्टार ओवर हेयर कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए या इन द एंड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपकी पता चल जाए कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन हेयर कम्स विद द लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। अडल्ट लर्नर में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। देन फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर। सपोर्ट मटीरियल से बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो यू कैन पुट अ स्टार ओवर देयर। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी के। एंड ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड, जब से कोविड आया ऑनलाइन मेथड बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गया है। सो ऑनलाइन मेथड जैसे स्वयं, स्वयं प्रभा, मॉक्स हो गए, तो ऑनलाइन मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेट्रा। यूजीसी यहाँ पे बहुत ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करती है, वो सब कुछ नहीं देती है, एक्सेट्रा लिख देती है। सो आप खुद कंफ्यूज रहते हैं कि वो पेपर में क्या पूछ ले। आप खुद नहीं, बच्चे, पढ़ाने वाला टीचर भी कंफ्यूज रहता है कि क्या पढ़ाएं, क्या छोड़ दें। सो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, जहां पर भी एक्सेट्रा लिखा हुआ है दे कैन आस्क एनीथिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी बेस्ड भी बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। आईसीटी को वो किसी से भी मिला देते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, आईसीटी हिमसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। The last point of teaching aptitude are computer-based testing, innovations in evaluation system. ये बहुत ज़्यादा important topic है, तो आप इनको underline या फिर star कर लीजिए या फिर आप लिख लीजिए साथ साथ, ताकि आपको आगे जाके problem ना हो। The next unit is research aptitude. Research aptitude भी बहुत ज़्यादा important topic है, जिसमें से कम 6 या 7 questions देखने को मिल जाते हैं। मेन पॉइंट इज लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू कवर एवरी टाइप्स ऑफ रिसर्च। देन हेयर कम्स विद द मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ द रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मेनी मोर। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स। देन हेयर कम्स विद द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। स्टेप्स ऑफ द रिसर्च 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है स्टेप्स में से। अरेंज करो इसको, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, लास्ट कौन सा है, अरेंज इन ऑर्डर लाइक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है। तो स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो स्टेप्स पे आप स्टार लगा लीजिए। देन थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग लाइक APA, MLA, तो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग बताइए। अगेन मैंने अभी क्या बताया था, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी टीचिंग में इंपॉर्टेंट था वो रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ICT को वो किसी के साथ भी मिला के क्वेश्चन बना देगा। देन हेयर कम्स विद द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो यू कैन पुट अ स्टार ओवर देयर। और ICT तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। द नेक्स्ट यूनिट इज कॉम्प्रीहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन में सोचने की तो क्या जरूरत है, कॉम्प्रिहेंशन इज लाइक 5 क्वेश्चंस तो हमेशा आने ही आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर तो फिक्स है ही है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लिया, सारे क्वेश्चन अपने कर लिए, तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन को एक बार देख लीजिए कैसे करना है, अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, ट्रिप्स ट्रिक्स देख लीजिए। तो कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। द नेक्स्ट यूनिट इज कॉम्युनिकेशन। तो कॉम्युनिकेशन में से क्या पूछा जाता है, कॉम्युनिकेशन में से टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ द कॉम्युनिकेशन, समटाइम्स करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है बट नॉट ऑलवेज। तो टाइप्स पे आप स्टार लगा लीजिए। देन हियर कम्स विद द इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन, क्लासरूम कॉम्युनिकेशन, यू कैन पुट डबल स्टार ओवर देयर और आप चांद लगा लीजिए। तो क्लासरूम कॉम्युनिकेशन में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉम्युनिकेशन का आप बोल सकते हैं मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूजीसी का, कि क्लासरूम कॉम्युनिकेशन में से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। लेट्स मूव फर्दर, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन, इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन में से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक यू कैन पुट अ स्टार। देन मास मीडिया सोसाइटी, इसमें से क्वेश्चंस नहीं देखे जाते, टाइम मिले तो देख लेना, अदरवाइज यू कैन लीव इट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप, इसमें से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट नंबर सीरीज में से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नंबर सीरीज में से ही आ रहे हैं। सो जितने भी टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज के, आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नंबर सीरीज में से क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, बट दीज आर दी इम्पॉर्टेंट वंस, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन अगेन आप देख रहे हो ट्रिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख देते हैं कि भाई इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट फ्यू ईयर्स कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री में से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, लास्ट फ्यू इयर्स में देखे गए हैं। बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से करके चले जाइएगा, और एक्सेट्रा लिखा यू नेवर नो आपसे क्या पूछ लिया जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। फैलेसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आई एम पुटिंग स्टार ओवर हियर, फैलेसीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, दुनिया इधर की उधर हो जाए बट स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से तो क्वेश्चन आना ही आना है। अगेन यहां पर आप चांद तारे जो आपको बनाना है बना लीजिए। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत इजी टॉपिक है, आप एक बार उसको अच्छे से कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस इजीली बना पाएंगे और 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। देन हियर कम्स विद द इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो ये सारा ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक प्रमाणास में प्रत्यक्ष हो गया, अनुमाना, उपमाना, शब्द, अर्थपति, तो ये सारे जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए इंडियन लॉजिक में, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या इट इज अ स्टार क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर, आई होप आप साथ साथ उसे नोट कर रहे हैं या फिर आप स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, सो प्लीज आप उसको साथ साथ नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए लेट्स मूव फर्दर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज डी आई। जस्ट लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स। अगर आपने ये ठीक कर दिए तो 10 मार्क्स यहां में से बन गए हैं आपके। तो डी आई में से क्या पूछा जाता है, डी आई में से टेबल चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्या डी आई में से टेबल चार्ट, देर आर मैनी बार ग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इसमें से ना बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट है वो है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डी आई में से कुछ आ गया तो मैं कर पाऊंगा। नेक्स्ट यूनिट इज इंफॉर्मेशन एंड कॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ। आईसीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी कैन रिलेट आईसीटी इन एनीथिंग, और किसी से भी रिलेट करके वो क्वेश्चन आपको दे देगा।
जैसे हमने रिसर्च में देखा था, टीचिंग में देखा था, देन हेयर आईसीटी इटसेल्फ इज अ यूनिट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस यूनिट पर हम स्टार लगा लेते हैं. जनरल एब्रीविएशन, जनरल एब्रीविएशन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. जैसे आप फुल फॉर्म बताइए सीपीयू की, लैंड मैन, देर आर मेनी एब्रीविएशन जिसका आपको ध्यान रखना है. तो एब्रीविएशन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन हेयर कम्स टू द बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ईमेल, जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो सीसी में क्या आएगा, बीसीसी में क्या आएगा. दीज आर द बेसिक्स ऑफ द इंटरनेट, ये जो आपको पता होने चाहिए. एंड इसमें से इजी क्वेश्चंस बनते हैं. यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन आईसीटी अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ा है तो. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर बच्चे. हाँ जी, नेक्स्ट इज डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव्स, बिकॉज डिजिटल बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. जैसे स्वयं हो गया, ई यंत्रा हो गया, हायर एजुकेशन में जो जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो आपको एक बार ध्यान दे लेना है कि आजकल क्या लॉन्च हो रहा है या क्या चल रहा है. देन हेयर कम्स विद द नेक्स्ट यूनिट दैट इज पीपल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. इसमें बच्चे, ये बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट होती है और बच्चे घबरा जाते हैं इसको देख के. इट्स ओके, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, आप उनको कवर कर लेना, उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं. फर्स्ट पॉइंट इज मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. हर बार इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बताइए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताइए. इसके स्टेप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है. तो बीच में से कुछ भी पूछ लेंगे, इसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है. सो यू कैन पुट अ स्टार ओवर मिलेनियम एज वेल एज दी सस्टेनेबल. देन इन्वायरमेंटल इशूज, इन्वायरमेंटल इशूज में से पूछ लिए जाते हैं, लाइक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एवरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, और उससे डिजीजेस क्या होती हैं. सो इन्वायरमेंटल इशूज में से दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं पेपर में. देन हेयर कम्स विद द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. अब पॉल्यूशन तो हो रहा है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी हेल्थ पर, आपको इस पॉल्यूशन से क्या बीमारी हो रही है, उससे क्या बीमारी हो रही है. सो यू नीड टू अवेयर अबाउट दी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूटेंट्स की इससे क्या बीमारी आ रही है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोथ लाइक सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, विंड इटसेल्फ, ये एंड न्यूक्लियर से भी कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं. तो नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज में भी क्वेश्चन देखे जाते हैं. सो आप इसे भी प्रिपेयर कर लेना. देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड एफर्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड एफर्ट. इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी का. मॉनिट्रो प्रोटोकॉल, रियो सबमिट, कन्वेंशंस, क्रोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इन सब में से क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि कब आए, क्यों आए, किस लिए आए. सो इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. देन हेयर कम्स विद द करंट अफेयर. करंट अफेयर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा डे चल रहा है या फिर कौन सा न्यू लॉन्च हुआ है, तो करंट अफेयर में से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. सम क्वेश्चंस आर लाइक पॉलिटी में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. पॉलिटी पहले एक डिफरेंट यूनिट थी, अब पॉलिटी मर्ज हो गई है, तो बीच में से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट कब बना था या फिर कौन प्रेसिडेंट था या क्या क्या आपके पार्लियामेंट के वो हैं इश्यूज, तो कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. पॉलिटी में से भी कुछ क्वेश्चंस एक या दो कभी कभी देखने को मिल जाते हैं. सो आप ये मत सोचना मेंशन नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. लेट्स मूव फर्दर, द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम. हायर एजुकेशन, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, तक्षशिला हो गया, मतलब पुराने ज़माने में क्या क्या एजुकेशन थी हमारे पास वो पूछा जा सकता है. एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, जब पुराने ज़माने में जो एजुकेशन थी उसके बाद इवॉल्व हुई तो वो सब भी पूछा जाता है. पोस्ट इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उसके बाद क्या क्या आया था हमारे हायर एजुकेशन में. देन पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में से क्वेश्चन आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेमी गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल हो गई, तो यूनिवर्सिटीज में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. सो आई होप 10 के 10 यूनिट में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए और आपने उसे ध्यान से सुन लिया होगा
और नोट कर लिया होगा। देन थैंक यू गाइज फॉर द लिसनिंग। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स लेकर आता रहूंगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडंकल यूजीसी नेट की तैयारी। थैंक यू गाइज। Now install all new Edunkle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edunkle, karo life ki tayari.